हेलो फ्रेंड्स, पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो हमारा बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि मज़ेदार चीज़ यहाँ पर बन रही है। तो ये देखिए, हरी मिर्च डालने के बाद में, हरी मिर्च भुन गई है, इसके बाद में हमने आलू डाल दिया है। तो आज हम क्या स्पेशल बना रहे हैं ये आपको आगे पता चलेगा, लेकिन ये वीडियो मेरा पूरा देखिएगा, देखने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। और ये सारा कुछ जो है मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। तो आज का मज़ेदार वीडियो देखने के लिए सबसे पहले तो अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके से मज़ेदार वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। तो ये देखिए, आज बन रही है हमारे घर मसाला मैगी, वो भी मेरे हस्बैंड के हाथों की। तो ऐसी मैगी खाने का मौका ज़िंदगी में बहुत कम आता है, और ये मैगी वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। तो आज मसाला और अंडा मैगी दोनों साथ में बन रही है। तो ये देखिए, आलू उन्होंने डाल दिया है हरी मिर्च डालने के बाद में, और क्या क्या चीज़ जो जो चीज़ डालते जाएंगे हम लोग आपको बताते जाएंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और देखिए कितने अच्छे से आलू जो है हमारे फ्राई हो रहे हैं। और ये देखिए, आज शाम को हमारी इवनिंग जो है हमारा, मतलब मैं ये कहूँगी कि डिनर में आज हमारे यहाँ मैगी बन रही है। तो आप लोगों को पता ही है कि जब भी हम लोग पास्ता या मैगी खाते हैं तो अच्छे से पेट भर के खाते हैं, और वही आप लोग समझ ही गए होंगे कि जिन्होंने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा मैगी वाला या पास्ता वाला। तो जब भी हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं तो अच्छे से दिल खोल के खाते हैं। और इसके बाद देखिए, मतलब आलू जो है सीज गया था, तो इसके बाद में हमने शिमला मिर्च इसमें डाल दिया है उन्होंने। और उनकी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट थी, बट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये जो रेसिपी है ना, रियली में आप लोग भी बना करके खाएंगे ना इस तरीके से मसाला मैगी, तो मार्केट का जो है चाट मसाला सारा कुछ खाना भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरीके की बनाई हुई मैगी। और ये देखिए, मतलब अब शिमला मिर्च इसमें डाल दिए। शिमला मिर्च थोड़ी कम क्वांटिटी में थी, आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में जो है पत्ता गोभी हम लोग नहीं खाते हैं, इसके बाद शिमला मिर्च भी बहुत कम खाई जाती है, बट आज थी तो डाल दी है हम लोगों ने। तो अब हम लोग देखिए इसको अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे। और आप इस तरीके से मैगी बनाइएगा, ताकि जो है ना, मतलब इतनी ज़्यादा यम्मी लगती है ना मैगी, तो सबकी पसंद होती है, बट इस तरीके से बनाई गई मैगी ना इतनी ज़्यादा यम्मी लगती है ना नूडल्स के, मैं क्या बताऊँ, मतलब सोच सोच कर ही मुँह में पानी आ रहा है। तो ये देखिए, इसको आराम से भूनना है हमें मंदी आँच में। देखिए आप, गैस की फ्लेम बिल्कुल कम है, तो देखिए मंदी आँच में ही हम इसको अच्छे से चलाते हुए जो है भूनेंगे। तो ये देखिए, अब ऐसे लगभग लगभग हमारा दोनों चीज़ पकने लगी है। अब इसके बाद में ये इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। और एक बात बताना मैं आप लोगों को भूल गई, कि मतलब जो है ना, इस तरीके की आप मैगी बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी आपको नुकसान नहीं करेगी। और हम लोग इस तरीके की मैगी बनाना, मतलब मैं हफ्ते में एक बार ही चाइनीज़ फूड खाने के लिए बच्चों को अलाउ करती हूँ, तो हम लोग हफ्ते में एक बार ही मतलब इस तरीके का खाना खाते हैं, एक दिन, वो दिन कोई भी हो सकता है। तो ये देखिए, टमाटर और शिमला मिर्च, आलू और हरी मिर्च, देखिए कितनी यम्मी दिख रही है, आप देख ही सकते हैं। हमारा जो सब्जी है बन करके हो गई है तैयार, और अब ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है नमक डाल रहे हैं सब्जी में, ताकि ये जो है ना, मतलब अच्छे से पक जाएगी सब्ज़ी। और हमारे, मतलब हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा नमक खाते हैं, क्योंकि मेरा बीपी जो है लो है, तो हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा नमक खाते हैं, और मतलब टेस्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाता है नमक। तो आप लोगों को जैसे पसंद हो वैसे आप लोग डाल लीजिएगा। और ये देखिए, मैगी के पैकेट ये हैं, खोल रहे हैं इधर पर, और ये देखिए 10 पैकेट, कम से कम 10 पैकेट, ये 2 पैकेट पुराने रखे हुए थे, इसके बाद में इन्होंने ऐसे दबा दबा करके पैकेटों को तोड़ लिया है, इसके बाद थाली में निकाल लेंगे। हमेशा देख करके ही चीज़ें डालनी चाहिए। तो ये देखिए, 2 पैकेट इन्होंने निकाल लिए हैं, और 8 पैकेट ये निकाल लेंगे दोनों पैकेटों में से, तो 10 पैकेट करीब मैगी हो जाएगी हम लोगों को। तो ये देखिए, अब ये निकाल रहे हैं, ये देखिए इनके हाथ की बनी हुई चीज़ें ना, सारी कुछ बहुत ज़्यादा टेस्टी यम्मी बनाते हैं ये। तो जब भी छुट्टी आते हैं तो हम लोगों को इसी तरीके का खाना बना बना करके खिलाते हैं। और रही बात आप लोगों से मिलवाने की, तो उनका कहना ये है कि जब भी आपके मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे तभी मैं आपकी ऑडियंस के सामने जाऊँगा, तब तक नहीं जाऊँगा।
तो आप लोग जल्दी 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 हमारा टारगेट पूरा कर दीजिए और आप लोग इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा ताकि मैं भी अपने हस्बैंड को दिखा पाऊँ कि मतलब आप लोग जो हैं मुझे कितना प्यार देते हैं और आप लोग मेरा सपोर्ट करते हैं, मतलब हमारी एक फैमिली की तरह बन गया है। इस चीज़ का विश्वास दिलाना उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अभी तक हमारे इधर से किसी ने भी यूट्यूब पर चैनल नहीं बनाया था और ना ही मतलब अभी तक किसी ने वीडियो अपलोड की है, तो इस चीज़ को समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि मतलब YouTube से ही अर्निंग की जा सकती है, YouTube पर भी अपनी पहचान बनाई जा सकती है। बट आप लोगों का साथ इसी तरीके से रहा तो मैं ये सपना और ये हकीकत सब लोगों को बता पाऊँगी कि हाँ YouTube पर भी हम अपना पहचान बना सकते हैं। तो ये देखिए उस ग्रेवी में अब इन्होंने डाल दिया है सारा मैगी और देखिए अब ये क्या करते हैं, देखते हैं आगे आगे। अब ये निकालेंगे मसाला, जो सारे मसाले के पैकेट हमारे हैं और वो निकाल लेंगे सारे। ये देखिए चाकू से काट रहे हैं लेकिन चाकू से कट नहीं रहा है क्योंकि कैंची का मैं बोल रही थी। और ये देखिए इस तरीके से कटोरी में निकाल लेंगे, तो ये सारे मसाले के पैकेट जो है ना इसमें एक साथ में निकाल लेंगे और एक साथ में जो है हम इसमें डाल देंगे। तो कैसे हैं आप सब लोग ये कमेंट ज़रूर करके बताइएगा और ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारा मिशन जो है कामयाब हो पाए और मैं लोगों को दिखा पाऊँ कि हाँ YouTube पर भी मेरे साथी हैं, मेरे बहुत सारे अपने लोग हैं जो लोग मुझे देखते हैं। भले हम लोगों ने आमने सामने से एक दूसरे को नहीं देखा तो क्या हुआ, हम लोग मतलब एक दूसरे से इतने अच्छे तरीके से बंध गए हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये देखिए अब ये सारा सामान जो है निकाल लेंगे, तो चलिए मिलते हैं आगे। ये देखिए मसाला वगैरह डालने के बाद अब आई है बारी पानी डालने की, तो पानी इसमें दो लोटे हम लोग डाल लेंगे क्योंकि मैगी ज़्यादा लग रही है तो कढ़ाई में फुल भर जाएगा। देखते हैं कितना पानी ये डालते हैं उस हिसाब से। तो इस तरीके से आप मैगी बनाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। तो ये देखिए पानी इन्होंने डाल दिया है और अब इसको आराम से चला देंगे। तो मैं आप लोगों को पास से दिखाती हूँ, ये देखिए चला रहे हैं, ये कढ़ाई फुल भर गई है तो बोल रहे हैं कि कढ़ाई छोटी पड़ गई है क्योंकि इतने लोगों के लिए पेट भर के मैगी बनाने के लिए कढ़ाई हमारी छोटी हो गई है। तो देखते हैं इसको पलट लेते हैं, अभी इसमें जितना पानी डलेगा उतना डाल देते हैं पहले क्वांटिटी के हिसाब से। और ये देखिए पलट दिए बड़ी कढ़ाई में और अब इधर अंडा मैगी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये एग लिया है इन्होंने, तो ये देखिए एग को जो है कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल करके उसमें चार अंडे जो है तोड़ करके डाल देंगे।
इसके बाद में आगे जो है इनको अच्छे से भूनेंगे और इस तरीके का जो है बना हुआ, देखिए आप देखने ही मुंह में पानी आ जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा मसाला अंडे का जो है एक का जो है बन करके हो गया तैयार। तो ये देखिए, देखिए कितना अच्छा उन्होंने देखिए भुजिया इसका बना दिया है मैं ये कहूँगी। तो ये देखिए किस किस को ऐसी भुजिया खाना पसंद है, मुझे बहुत पसंद है नमक डाल करके खाना। तो ये देखिए अब इसमें ये डाल देंगे मैगी थोड़ी देर पकने के बाद में। आप अंडा मैगी बना करके भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है अंडा मैगी। और उधर देखिए हमारी मैगी हो रही है तैयार, क्योंकि मैगी थोड़ी सी ज़्यादा है तो थोड़ा सा टाइम उसमें लगेगा। और ये देखिए अब इसमें ये जो मैगी हमने बना करके मसाला तैयार की थी उसको इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, ये देखिए बस हमारी अंडा मैगी और मसाला मैगी दोनों हो गई है तैयार। बहुत टेस्टी बनने वाली हैं दोनों चीज़ें, बहुत टेस्टी हैं, आप लोग देख ही पा रहे होंगे। तो चलिए आप लोग इंजॉय कीजिए। देखिए थाली और प्लेटों में मैं लगा रही हूँ धीरे धीरे करके, और जिस जिसको जैसी जैसी चीज़ पसंद है वैसी वैसी करके मैं प्लेटों में डालती जा रही हूँ। और ये देखिए सबको थोड़ी थोड़ी मसाला मतलब जो है अंडा मैगी दे दूँगी, जिस बेबी को दे दी मैंने गलती से उसकी प्लेट में, क्योंकि वो नहीं खाती है। तो चलिए कोई बात नहीं गलती हो जाती है, वो नहीं खाती है अंडा मैगी, उसको पसंद नहीं है। और ये ईशू को दे दी है मैंने, इसके बाद हमारी थाली में थोड़े थोड़े ले लूँगी, इसके बाद में मेरे हस्बैंड को दूँगी। तो कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है, सर्व कर रही हूँ मैं। तो चलिए सर्व करती हूँ, फिर मिलती हूँ इसके बाद आपसे। देखो इसने सॉस भी डाल लिया है अपना, और ये देखो आपको खिला रहा है। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर करती हूँ एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। और ये देखिए बेबी भी आ गई हैं, और बेबी का प्लेट देखिए मसाला मैगी। क्या खा रहे बेटा? मसाला मैगी। हाँ
अभी खाने में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, तो चलिए मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय। बाय करो, बाय।